हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDAR ब्लॉग। आज की मेरी ब्लॉग वीडियो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बेहद ही बड़ा तहसील और कस्बा जिसका नाम है पुष्पराजगढ़, उसकी ब्लॉग वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, देख रहे हैं पुष्पराजगढ़ एक बेहद ही शांत वातावरण वाला खूबसूरत सा स्थान है, जहां घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह पिकनिक स्पॉट आपको मिल जाएगी। तो गाइस, आज की इस 12 मिनट की वीडियो में हम आपको अनूपपुर जिले से शहडोल जिले का जो एरिया है वहाँ तक लेके जाएंगे। तो इस समय मध्य प्रदेश के हर राज्य में लगभग संकल्प यात्रा चल रही है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। तो देख रहे हैं, मैं अभी निकला हूँ अनूपपुर बॉर्डर, अनूपपुर जिले के किरण घाट से होते हुए शहडोल जिले का बॉर्डर जिसको बोलते हैं सरई घाट, वहाँ तक हम आपको लेके जाएंगे और पूरा A to Z ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। जितनी भी ग्राम पंचायतें पड़ती है उनका वातावरण, उनका रहन सहन और यह जो रोड है, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अनूपपुर जिले का एक बेहद ही बड़ा सा कस्बा और तहसील पुष्पराजगढ़। पुष्पराजगढ़ तहसील का क्षेत्रफल लगभग 1652.20 वर्ग किलोमीटर है और यह तहसील जो है उत्तर पश्चिम में उमरिया जिला, उत्तर पूर्व में शहडोल जिला और पूर्व में जैतारी तहसील और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में डिंडौरी जिले से घिरा हुआ यह तहसील है, जिसमें पुष्पराजगढ़ मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित एक कस्बा और तहसील है और यह एक चौथे क्रम का प्रशासनिक और राजस्व मंडल है। तो गाइस, ये तो था ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पुष्पराजगढ़ तहसील का ढांचा। अब आप रियलिटी देखिए, रियलिटी देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प यात्रा में बताया जाता है कि भारत का हर राज्य, चाहे छोटा सा गांव हो, बड़ा सा शहर हो, सब A to Z सीमेंटेड सड़क, पक्की सड़क जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनाई गई है। अब आप खुद देख सकते हैं, अभी लगभग 3 मिनट की वीडियो कंप्लीट हुई है, मैं किरण घाट से निकला हूँ और ये हम जो जा रहे हैं सरई घाट, लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी तक है सरई घाट पड़ता है, जिसमें बहुत सी तहसीलें, बहुत सी ग्राम पंचायतें पड़ती है, वो तो आप आगे देखेंगे ही। तो ये पूरा A to Z रास्ता जो है उबड़ खाबड़ है, जो आज तक कभी मरम्मत नहीं हुआ। अब आप देख सकते हो यहाँ का जीवन यापन जो ग्रामीणों का है वो कैसा होगा, आप खुद समझ सकते हैं, खुद सोच सकते हैं और सामने देख भी सकते हैं ऐसा नज़ारा। सिर्फ रोड पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से मुरुम डली हुई है और पूरा ये एक नेशनल हाईवे रोड है, जो दो महत्वपूर्ण शहरों जो कि अनूपपुर और शहडोल जिले को जोड़ती है। तो देख रहे हैं साइड साइड में जो है पूरा A to Z रोड में जो है मुरुम और गिट्टी डली हुई है और रोड उबड़ खाबड़ है, और वो भी चुनाव के टाइम पे। इसके ऊपर मैंने ग्रामीणों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जैसे चुनाव का टाइम नज़दीक आया तो ये जो मिट्टी मुरुम हटाई हुई है इसको ऊपर से रोड रोलर ला के पूरा प्लेन कर दिया और आज तक इसमें कोई भी काम नहीं हुआ। तो ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प यात्रा की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। तो देख रहे हैं गांव के रहवासी बेचारे किस तरह चलना दूभर हो गया है। पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत का प्रशासनिक क्षेत्र भी है। जी हाँ, पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत लगभग 100 ग्राम पंचायतें आती हैं, जिनमें अचलपुर, अहिरगवा, अलवार, अमदारी, अमगवा, अतरिया, बड़ी तुम्मी, बैपुर, बमनी, बरांज, बरबसपुर, इस तरह से
लगभग 100 गांव जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत आते हैं। और देख सकते हैं पुष्पराजगढ़ का नज़ारा, जो इतनी बड़ी तहसील और इतना बड़ा जनपद पंचायत है। और गाइज, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनूपपुर के फेमस स्पॉट जो अनूपपुर जिले में प्रसिद्ध हैं, वहां जाने के लिए आपको इसी रोड से होकर जाना पड़ेगा, जैसे कि नर्मदा मंदिर, सोनपुरा, कपिलधारा, दूधधारा एवं माई की बगिया आदि दर्शनीय स्थल। तो यह जो है दो विभिन्न शहरों को जोड़ता है। इस तरह से हमारे अनूपपुर जिले के तहसील, जो सबसे बड़ी तहसील है पुष्पराजगढ़, उसका अस्तित्व है, देख सकते हैं यहाँ। यूँ तो गाइस पुष्पराजगढ़ एक चौथे क्रम का प्रशासनिक और राजस्व प्रभाग है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के तीसरे क्रम के प्रशासनिक और राजस्व प्रभाग का एक उपखंड भी है। और इस तहसील में अमरकंटक, नर्मदा का स्रोत और लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जिसका ये हाल है। जनसांख्यिकी और रहन सहन की बात की जाए तो पुष्पराजगढ़ तहसील या पुष्पराजगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार 230,005 है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्रमशः जनसंख्या का 7.19% और 76.84% है, और 94.82% आबादी हिंदी और गोड़ बोली बोलती है। तो गाइस, इस भारत का दिल मध्य प्रदेश में अगर आप घूमने की शौकीन हैं तो आपको, और गाइस भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो घूमने का बेहद शौक रखते हैं, नई नई जगहों में एक्सप्लोर करना, नए नए लोगों से मिलना सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए तो आपको बता दें, हिंदुस्तान का दिल बोला जाने वाला मध्य प्रदेश राज्य भी खूबसूरती के मामले में अन्य किसी राज्य से कम नहीं है, जिसमें मौजूद अनूपपुर भी एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो अनूपपुर शहर में कुछ बेहतरीन जगहें हैं जहां आप घूमने के लिए जाना ज़रूर चाहेंगे, जिसमें सोनमुड़ा अमरकंटक है, नर्मदा कुंड है और कपिलधारा। तो इन सारे घूमने की जगहों में आप जो है पुष्पराजगढ़, जो मेन तहसील है, उधर से ही जा सकते हैं, या फिर आप जो सरई घाट होते हुए, या फिर आप किरण घाट होते हुए मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले की खूबसूरत जगहों को देख सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अगर इस तरह का रोड शो है तो आपके माइंड में भी यह क्वेश्चन ज़रूर होता होगा, क्या यही हमारे अनूपपुर शहर पुष्पराजगढ़ का विकास हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के संकल्प यात्रा और विकास का कार्य कुछ इस तरह से दिखाई देख रहे हैं कि ग्रामीण जन कैसे रहते हैं। लगभग हम लोग जो है वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं, और आपने देखा कि जैसे मैं किरण घाट से, अनूपपुर शहर के किरण घाट से नीचे उतरा, अब हम लोग जो है सरई घाट पहुंचने वाले हैं। पूरा ए टू जेड 50 किलोमीटर का जो रोड है वो जर्जर है, जिसमें गिट्टी और मुरुम भरी पड़ी है। तो यही है संकल्प यात्रा और हमारे प्रधानमंत्री जी का विकास। तो गाइस, इस तरह से आपने देखा कि कैसे अनूपपुर शहर या शहडोल शहर के रहवासी रहते हैं और किस तरह दिनचर्या है, रहन सहन है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ऐसा मौसम तो बहुत ही सुहावना रहता है, चाहे आप किसी भी गांव में चले जाएं, हरे हरे पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर वातावरण आप मन को मोह लेती है। तो इस तरह से कम्प्लीटली हम पहुंच गए हैं आप शहडोल ज़िला की सीमा सरई घाट में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।